मेरा मैसेज हमारे त्रिपुरा से लोगों के लिए एक ही है। लोग कुछ भी कहे, लोग कुछ भी सोचे, लेकिन हमें अपने बच्चे को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना ही पड़ेगा। जो पूरे इंडिया में चल रहा है कि जो ट्राइबल्स हैं, जो इंडिजिनस जिनका संख्या कम है, उनके आवाज़ को कुचला जाता है, उनका भावना को कोई कदर नहीं करता। सब बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन जो हानि बसा है, जिसका ज़िंदगी, जिसका ज़मीन, जिसका देश उनके हाथों से छीना गया, उनको भी, हाँ ठीक है, हमारा नंबर कम हो सकता है, हमारा संख्या कम हो सकता है, लेकिन ये राज्य, ये देश, ये त्रिपुरा जो हमारा एक किंगडम था, ये हमारा था। सिर्फ एक परिवार का नहीं, ये हम सब त्रिपुरा सा का था। और अगर आज हमने अपने अधिकार के लिए बात किया, तो हमने कोई पाप नहीं किया है। हम जब अपना अधिकार मांग रहे हैं अपने ही जमीन में, अपने ही राज्य में, तो हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। ये बात आपके दिल में आपको रखना चाहिए। और हमारा टाइम आएगा, ये मेरे ऊपर विश्वास है, क्योंकि भगवान, गॉड अन्याय पूरे ज़िंदगी हमारे साथ नहीं करेगा। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि एक ना एक दिन, अगर हमने सही रास्ता हमने रखा, हमने अपने लोगों को धोखा नहीं दिया, तो एक ना एक दिन त्रिपुरा सा का भविष्य इम्प्रूव होगा। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। दुश्मन के पास कुछ भी हो, पावर हो, पैसा हो, इन्फ्लुएंस हो, हमारे पास आशा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही जिंदगी चलता है। दिल मत छोटा करो, हिम्मत रखो, मैं आपके साथ हूँ। ये मेरा मैसेज आप सबको है। आई लव यू। बुबागरा स्पीकिंग फॉर त्रिपुरा सा।